हेलो, मेरा नाम है संचित्र। आप देख रहे हैं टेक बार और आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ सोनी A7iii के बारे में। इस कैमरे को यूज़ करते हुए मेरे को 5 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं और अब मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि मुझे कैमरा समझ आ गया है। कुछ ऐसी सेटिंग्स जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ जिससे क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और कैनन जैसे कलर आपको देखने में मिलेंगे और इनफैक्ट ये रिव्यू भी है। और ये सारी कंडीशन मिलाकर मैं बोल सकता हूँ कि ये बेस्ट कैमरा है यूट्यूब के लिए और व्लॉगिंग के लिए। शर्तें ये, अगर आपके पास टाइम है इस कैमरे को समझने के लिए, ये बहुत ही जेन्युइन एडवाइस है आप लोगों को। अगर आपके पास टाइम है तभी लेना इस कैमरे को, नहीं तो 2 लाख रुपए का खरीदोगे और इसको साइड में ही रख दोगे। नहीं, मतलब आप मान ही नहीं सकता कि मैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस कैमरे को यूज भी कर पाओगे। गलती से भी मत सोचना कि मैं ऐसे ही यूज करते करते सीख जाऊंगा, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप इस कैमरे को खरीद चुके हो तो मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी एडवाइस देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कलर साइंस के बारे में। और सबको पता है कि सोनी की कलर साइंस बहुत ही वियर्ड है, येलोइश स्किन टोन लाता है, इनफैक्ट सारी फुटेज ही येलोइश बना देता है। अगर आप चाहते हो कैनन जैसे कलर्स आए आपकी सोनी A7iii के अंदर, तो आप एक पिक्चर प्रोफाइल सेट कर सकते हो। मैं आपको सेटिंग्स दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर। अगर आप एग्जैक्ट सेम सेटिंग्स डालते हो, वाइट बैलेंस का ध्यान रखते हुए, तो आपको बहुत ही अच्छे कलर्स दिखने वाले हैं। अभी जो रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, ये सोनी A7iii से ही हो रही है। और अगर कोई व्लॉगर या फिर कोई भी यूट्यूबर ये वीडियो देख रहा है तो नीचे कमेंट कर जरूर बताना कि ये सेटिंग्स आपको कैसी लगी। अच्छा लगेगा मेरे को यार, नीचे कमेंट कर ही देना। और अगर आपको भी देखिए वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, बहुत अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब कर जाओ यार, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी धीरे धीरे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑटो फोकस के बारे में। अगर आप यूट्यूब पे काम करते हो या फिर व्लॉगिंग करते हो तो आपको पता है कि भाई ऑटो फोकस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और सोनी A7iii का ऑटो फोकस अल्टीमेट आप बोल सकते हो, सुपर फास्ट, इनफैक्ट कैनन से भी ज्यादा तेज काम करता है। बट शर्त यह है कि आपको सोनी का ही लेंस यूज करना पड़ेगा जो कि भाई 1 लाख या फिर 1.5 लाख के आते हैं। मैं सोनी का 24-70 f/2.8 यूज कर रहा हूं, जी मास्टर लेंस है ये। भाई काफी एक्सपेंसिव तो है बट इतना ज्यादा फास्ट है इसका ऑटो फोकस कि मेरे को आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। इनफैक्ट ऑटो फोकस की आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। मैं पर्सनली एक्सपेंड फ्लेक्सिबल स्पॉट यूज करता हूं, आपको उसको मिडिल में भी सेट कर सकते हो, कहीं पे भी आप मतलब कर सकते हो। और आपको फेस प्रायोरिटी ऑटो फोकस भी देखने को मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप अपने सेटिंग्स में जाकर अपने फेस को रजिस्टर कर देते हो तो ये हमेशा आप ही के फेस को फोकस में लेकर आएगा। तो ये चीज है, अगर आप व्लॉगिंग में हो आप कर सकते हो, सिर्फ अपने फेस को फोटो फोकस के लिए सेट कर सकते हो। या दूसरी चीज ये है, अगर आप चाहते हो कि भाई ट्रैकिंग करे आपको, मतलब आपको पता होगा ट्रैकिंग वाले शॉट्स अगर आप लेना चाहते हो तो आप सेटिंग्स में जाके सेंटर लॉक ऑन ऑटो फोकस ऑन करोगे तो आप उसके ऊपर टैप कर रखोगे तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा अगर आप कैमरा मूव करोगे तो। ये सच में भाई सबसे बड़ा हैक लगा मुझे इस कैमरे का और ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ही बड़ी टिप थी। और जब मेरे को पता लगा कि इसको ऐसा कर सकते तो भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था। और अगर आप चाहते हो किसी और ब्रांड का लेंस यूज करना तो आप एक एडेप्टर खरीद सकते हो, सिग्मा MC11। और मेटाबोन्स का भी एक एडेप्टर आता है जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव है सिग्मा वाले से, बिल्कुल भी मत खरीदना। मैंने खरीद लिया था, बिल्कुल पैसा बर्बाद है, उसमें ऑटो फोकस बिल्कुल भी काम नहीं करता है। सिग्मा MC11 में ऑटो फोकस अच्छा काम कर जाता है, मतलब ठीक ठीक करता है, स्लो है, मतलब सोनी का जो लेंस है उतना ज्यादा फास्ट नहीं काम करता बट ठीक काम कर जाता है। तो खरीदना है तो सिग्मा MC11 ही खरीदना। नेक्स्ट बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस के बारे में। और सोनी A7iii की लो लाइट परफॉर्मेंस ना बिल्कुल किलर है। मेरे को नहीं पता सोनी ने ऐसा क्या जादू किया है बट 12,000 ISO करने के बाद भी नॉइज नहीं आती है फुटेज के अंदर। मेरे को नहीं पता ये कैसे पॉसिबल है बट सच में ये कैमरा अंधेरे में भी देख सकता है, मैं ये कहना चाहूंगा। और अगर आप एक व्लॉगर हो तो भाई ये कैमरा आपको हद से ज्यादा खुश करने वाला है। अगर आप लो लाइट के अंदर कार के अंदर रिकॉर्ड करते हो या फिर कहीं पर भी किसी भी लो लाइट कंडीशन में रिकॉर्ड करोगे तो आपको जादू जैसी फुटेज देखने को मिलेगी, मतलब जादू जैसी नहीं, मतलब बहुत ही कमाल की फुटेज देखने को मिलेगी। मैं लिटरली इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश है। आपको मैं सैंपल दिखाता हूं जिसमें मैंने 12,000 ISO का रखा है और F पर आपको सेटिंग दिख रही होंगी सारी की सारी स्क्रीन पर। ये बहुत ही अमेजिंग मेरे को परफॉर्मेंस लगी और यहां से साबित हो जाता है कि व्लॉगर्स के लिए बेस्ट कैमरा है। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। और ट्रस्ट मी, सोनी ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है अपनी बैटरी को और मेरे केस में 2 दिन तक आराम से बैटरी चल जाती है। मतलब कि मैं 2 वीडियोस बना लेता हूं पूरी पूरी जिसमें रोज का 3-3 घंटे का शूट मेरा होता होगा और तब भी इसकी बैटरी लास्ट में थोड़ी बहुत बच जाती है। और मैंने तो इसका क्विक चार्जर भी खरीदा हुआ है तो बहुत जल्दी चार्ज भी हो जाती है बैटरी। तो ये एक बेनिफिट है, अगर आप एक व्लॉगर हो और एक और बैटरी खरीदते हो तो आपको आराम से हैवी व्लॉगिंग के टाइम पे भी आपको एक अच्छा खासा बैटरी बैकअप इसमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फुल फ्रेम सेंसर के बारे में। हमें सोनी A7iii में जो फुल फ्रेम सेंसर देखने को मिलता है ना, और ऊपर से इसमें 4K का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो क्या अल्टीमेट फुटेज आती है यार। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं इसके आउटपुट से। और पहली बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, अगर आपको सच में इसके कैमरे के सेंसर का यूज लेना है तो
आपको फुल फ्रेम लेंस खरीदना पड़ेगा सोनी का ही, तभी जाकर आपको एक अल्टीमेट क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही बड़ी कंडीशन है और ऑब्वियसली खर्चा भी बढ़ा देती है, बट मैं यही कहूँगा अगर आप 2 लाख रुपये लगा रहे हो तो थोड़ा सा और पैसे थोड़े टाइम बाद ले लेना, बट फुल फ्रेम लेंस ज़रूर लेना। जो पीछे का बोके आता है ना भाई, वो ज़बरदस्त आता है यार, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आ जाती है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा हमेशा 4K में ही शूट करना, फिर उसको डाउनग्रेड करके 1080p कर लेना, उससे नॉइज ना के बराबर देखने को मिलेगी। तो यहाँ से भाई कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इस कैमरे को अल्टीमेट बना देती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्लो मोशन के बारे में। हम इसमें 1080p 120 fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर आप एक व्लॉगर हो, यूट्यूबर हो, तो आपको पता होगा भाई स्लो मोशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सोनी की क्योंकि लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत कमाल, आप ISO कितना भी ऊपर तक लेके जा सकते हो, तो आपको स्लो मोशन रिकॉर्ड करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज एक और आ जाता है इस कैमरे का, भाई मैं पर्सनली इसका स्लो मोशन कभी कभी यूज कर लेता हूं और मेरे को काफी अच्छी क्वालिटी लगती है। शार्पनेस बहुत कमाल की है, तो ऊपर से डायनेमिक रेंज भी इस कैमरे की अल्टीमेट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टेबिलिटी के बारे में। और अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको अलग अलग जगह पे भागना पड़ता होगा कैमरे के साथ, चाहे वो कोई इवेंट हो, या फिर व्लॉगर हो तो आपको पूरे दिन ही कैमरे के साथ घूमना पड़ता होगा। ये सबसे ज्यादा पोर्टेबल कैमरा है, इसका लाइट वेट है, और मिररलेस होने की वजह से जो इसका साइज है वो भी बहुत छोटा है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं कैनन 1DX Mark II से, जो कि बहुत ही हैवी कैमरा और टैंक की तरह लगता है वो, तो भाई उससे तो कंपेयर करोगे तो बहुत ही लाइट वेट और छोटा भी है, कहीं पर भी फिट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। कैनन 1DX से मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि वही एक लौता कैमरा है कैनन की, मतलब महंगी वाली सीरीज में, जो अच्छी वीडियो और फोटो दोनों रिकॉर्ड कर लेता है, तो इसलिए मैं इसको सोनी से कंपेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं इन बॉडी स्टेबलाइजेशन के बारे में। और ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है सोनी A7 III का कि हमें बॉडी के अंदर ही स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है, लेंस पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। अगर मैं बात करूं कैनन के बारे में, अगर आप चाहते हो कि स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करनी तो आपको लेंस के अंदर स्टेबलाइजेशन चाहिए होगी, तो ये केस सोनी के अंदर नहीं है भाई। अगर आप कोई भी लेंस लगाते हो, चाहे कैनन का लगाओ, टैमरॉन लगाओ, सिग्मा लगाओ, सब में आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रोसेसिंग होती है, आईबीएस होती है इसके अंदर। तो यार क्या मस्त काम करता है। आप व्लॉगिंग करो, चाहे यूट्यूब में हाथ से मतलब हैंड हेल्ड वीडियो बनाओ, सारी चीजें बिल्कुल मक्खन काम करेगी। तो ये एक और मैं यूनिवर्सल बेनिफिट बोलना चाहूंगा इस कैमरे का। पर कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती, डिसएडवांटेजेस इसके अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। वैसे तो मटेरियल बहुत अच्छा यूज किया हुआ है, काफी सॉलिड कैमरा लगता है और बॉडी भी छोटी है, तो ये एक अलग बात है। बट अगर मैं बात करूं वेदर सीलिंग के बारे में, अगर आप इसको लाइट रेन में यूज करते हो या फिर स्नो में या थोड़ा बहुत शूट करते हो, तो हो सकता है कि आपका कैमरा खराब हो जाए। थोड़े बहुत ऐसे केसेस भी आए, तो भाई वेदर सीलिंग इसकी बेस्ट नहीं है अगर मैं कंपेयर करूं कैनन या फिर निकॉन से। और दूसरी बात, इसमें हमें ओवरहीटिंग के भी इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। मेरे साथ आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मैंने धूप में भी इसको शूट किया हुआ है, मेरा कैमरा कभी भी बंद नहीं हुआ, कभी भी ओवरहीट नहीं हुआ है। बट कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो हो सकता है कि काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर में अगर आप इसको यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा इशू तो नहीं है। दूसरी कमी है फ्लिप स्क्रीन ना होना, और ये मेरे को पर्सनली सबसे बड़ी कमी लगती है। और मैंने इसके लिए एक एक्सटर्नल मॉनिटर भी खरीदा था लिलीपुट का, और वो लगाने के बाद फिर मैंने जब माइक लगाया, अपना एक्सटर्नल माइक मैंने लगाया, तो उसमें डिस्टॉर्शन आ रही थी फुटेज के अंदर। मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया है सोनी ने, कि ना आप एक्सटर्नल मॉनिटर लगा सकते और ना हम फ्लिप स्क्रीन देंगे। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। और अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको पता होगा भाई फ्लिप स्क्रीन की कितनी ज्यादा अहमियत होती है। बट फिर वो ये धीरे धीरे यूज टू हो ही जाते हैं, मैं तो हो गया हूं, बट फिर भी कभी कभी याद आती है भाई थंबनेल बनाते हुए कि काश फ्लिप स्क्रीन होती तो मुझे पता होता क्या चल रहा है पीछे। तीसरी कमी है लेंस ऑप्शन। अगर मैं बात करूं कैनन या फिर किसी और ब्रांड के बारे में, तो हमें दुनिया भर के थर्ड पार्टी लेंस, इनफैक्ट कंपनी की तरफ से भी लेंस अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं सोनी के बारे में, तो हमें लिमिटेड लेंस देखने को मिलते हैं। वही जी मास्टर लेंस है जो कि 1.5 लाख रुपए के आते हैं, जो सस्ते हैं, वो फुल फ्रेम नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ी कमी है, बट ऐसा बताया जाता है कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी सोनी के लेंस ऑप्शन में भी। जो टैमरॉन हो गया कुछ कुछ लेंस ऑफर कर रहा है, सिग्मा भी ऑफर करेगा, धीरे धीरे हो सकता है कि मार्केट में हमें नए नए लेंस देखने को मिल जाए। नहीं तो अभी के लिए भाई कैनन जो है बिल्कुल बादशाह लगता है मेरे को इस चीज के अंदर, और उसमें दुनिया भर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं सस्ते लेंस के साथ साथ। तो भाई सोनी का मेरे को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही लगता है कि इसमें लेंस के ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है, बट जो भी है वो बड़े धासु है। नेक्स्ट कमी ये कि ये बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं है, हद से ज्यादा प्रोफेशनल कैमरा मैं इसको बोलना चाहूंगा। अगर आपको कैमरे की नॉलेज नहीं है तो आपका सर दुख जाएगा इसकी सेटिंग्स देख देख कर। इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं सेटिंग्स में, अगर मैं जाता हूं तो दुनिया भर के पेजेस है, मेन्यू के अंदर भी मेन्यू है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है सब कुछ कि भाई समझना काफी ज्यादा टफ है। और ऊपर से हर चीज शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, और ऊपर से टच भी नहीं है इसकी सेटिंग्स। मतलब सोचो यार, टच स्क्रीन होते हुए भी सेटिंग के अंदर टच का ऑप्शन नहीं दिया, ऐसा क्यों करता है सोनी मेरे को आज तक नहीं समझ आया। बट स्टिल मैं कहना चाहूंगा ये अच्छी बात भी है कि हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, और बुरी बात भी है क्योंकि भाई सर दुख जाता है सच
सच में। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि आपको एक कैमरा खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो भाई मेरा सीधा जवाब है हाँ। जो भी मैंने कमियां बताई है ना, वो इसकी कैपेबिलिटीज के आगे कुछ भी नहीं है। और अगर आपको कोई 4K कैमरा चाहिए और आपके पास बजट है, आपका यूट्यूब चैनल अच्छा चल रहा है, तो भाई इससे अच्छा ऑप्शन अभी तक मार्केट में कोई भी अवेलेबल नहीं है। और ऊपर से मिररलेस है, छोटा साइज का कैमरा है, और ऊपर से फुल फ्रेम है, और सोनी का जो इको सिस्टम है ना, उसमें थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में खर्चा करना पड़ सकता है, बट सीरियसली एक बार खर्चा किया तो भाई मजा आ जाता है बिल्कुल। और ऊपर से जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं भाई, वो तगड़े है सच में भाई, प्रोफेशनल कैमरा आप इसको बोल सकते हो। और फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास टाइम है सीखने का इस कैमरे का तभी लेना, नहीं तो भाई 2 लाख रुपए का कैमरा साइड में रख दोगे आप, कभी भी इसको हाथ नहीं लगाने वाले। और यहां पर वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको पसंद आई हो ना तो लाइक करके जरूर जाना और सब्सक्राइब करके हमारी टेकिंग को ज्वाइन करो। हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।